नहीं। दोस्तों सबसे पहले आपको सोल दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट को ओपन करना है, सोल पे क्लिक करना है। जब आप सोल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। यहाँ से जाके आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको सोल रोल नंबर और बार कोड यहाँ पे ऐड करना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जैसा कि हम यहाँ पे अपनी बार कोड ऐड कर रहे हैं, दोस्तों लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपके पास एडमिशन टिकट ओपन बुक्स के लिए ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपके पास एग्जामिनेशन रोल नंबर और आपका सोल रोल नंबर दोनों ही होगा, जिसकी या तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या अपने पास लिख के रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है मॉक टेस्ट के। अगर आप ईयरली बेस स्टूडेंट हैं तो ईयरली बेस पे रख के और आपको बीए ऑनर्स या बीए प्रोग्राम जो भी करना है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपके एडमिट कार्ड पे नाम है वो नाम ऐड करना है और जो आपने एग्जामिनेशन रोल नंबर अभी निकाला था उस एग्जामिनेशन रोल नंबर को यहाँ नीचे पुटअप करके जो आपके पास विजुअल कोड है उसको आपको पुटअप करना है। पुटअप करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट कैसे करेंगे आप, आपके फ़ोन पे या ईमेल आईडी पे आपके पास ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन मॉक टेस्ट के लिए हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी ओटीपी आपके पास आया होगा, ओटीपी आने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों सबसे पहली चीज़, आप जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो अपने मॉक टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो भी ई के लिए ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए। दूसरी चीज़ है, इसके अंदर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि आपको बताया जा रहा है। स्टेप टू स्टेप ड्यू पोर्टल पे आप ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद इस वेबसाइट की जो लिंक अवेलेबल होंगे वो 4/7/2020 से लेकर 8/7/2020 तक रहेगा। वन टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जिसके अंदर आपके पास जो है ड्यू पोर्टल से जाके आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और नेम और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको ऐड करना होता है। उसके बाद ऑन द सबमिशन ऑफ द रिसीव पासवर्ड, आपके पास एक पासवर्ड या मेल पे आएगा या तो फ़ोन पे आएगा और उसके बाद आपको इसे लॉगिन करना है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन होता है ऑन द डेट फाइनल ओवीई एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स से कहा जा रहा है कि आप इस तरीके से अपना यूज़र और पासवर्ड आपको 30 मिनट पहले ओपन करना होगा। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन है और ये आपका सारा प्रोसीजर है। ये नोटिस आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ फॉलो करना है और उसके बाद जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं।